दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं रीट व राजस्थान पुलिस को लेकर बड़ी अपडेट। चलते हैं वीडियो की, उससे पहले अगर इस चैनल पर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक सबसे पहले कर ले। चलते हैं खबर की ओर। ये आप देख सकते हो, कल उपेंद्र जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी, धीरे धीरे कोरोना केसेस की संख्या कम होती जा रही है जो आने वाले दिनों में शुभ संकेत है। अतः आपसे निवेदन है कि थोड़ी और सही स्थिति होते ही रीट पटवारी सहित अन्य भर्तियों के फार्म री ओपन करवा कर तथा पद बढ़ाते हुए परीक्षा तिथि जारी करने की कृपा करें। दोस्तों, इस प्रकार की मांग उठने लगी है क्योंकि कोरोना अब थोड़ा कुछ कम हुआ है और जल्द ही ये कोरोना भी चला जाएगा और रीट में। इसके साथ ये इंडियन न्यूज राजस्थान का ट्वीट भी आप देख सकते हो, भर्तियों के फार्म री ओपन और पद बढ़ाने की मांग लगातार बढ़ रही है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव मुख्यमंत्री से की मांग। उपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि धीरे धीरे कोरोना केसेज की संख्या कम होती जा रही है जो आने वाले दिनों में, ये आप देख सकते हो, जिसमें क्लियर कहा गया है कि अब पद सरकार को पद बेरोजगारों के लिए पद भी बढ़ाने होंगे आपको और जितने भी भर्तियाँ उनके बारे में रीओपन करवा कर परीक्षा तिथि ये डेट निकाली जाए। इसके अलावा इन्होंने आज ये भी ताज़ा अपडेट दिए कि इन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जब भी चिरंजीव योजना के लिए ई मित्र खुले हैं तो रीट परीक्षा बिजली कंपनियों में एन जैन ASO SI कॉलेज लेक्चर सहित अन्य भर्तियों के आवेदन ऑनलाइन रीओपन करने में अधिकारियों को क्या दिक्कत है। मेहोदय जी, आप इनको निर्देश देकर जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू करवाई जाए। दे सकते हो, आज 24 मई की ये ताज़ा अपडेट है, जयपुर 24 मई। इसके अलावा जो राजस्थान पुलिस का जिलेवार जो रिजल्ट निकाल रहे थे, राष्ट्रपति राज्य सरकार की अपील को खंडपीठ ने किया स्वीकार। प्रदेश सरकार को राहत, हाईकोर्ट से राहत मिली है कि प्रदेश सरकार को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। राज्य सरकार की अपील को खंडपीठ ने किया स्वीकार। जयपुर कॉन्स्टेबल भर्ती 2019 को लेकर यह बड़ी खबर है। इसमें जो जिलेवार निकाली जा रही थी मेरिट, इसको लेकर हाई कोर्ट में रिट चल रही थी और इस रिट ने पहले ये कहा था कि जिलेवार नहीं निकाल सकते, लेकिन अब भी सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया है और जयपुर कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में अब जिलेवार कॉन्स्टेबल भर्ती का रास्ता हो गया साहब। आज ही राजस्थान कोर्ट ने ये फैसला दिया है जो बेरोजगारों के लिए बड़ी अपडेट है। किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है, लेकिन ये बड़ी अपडेट है। और राज्य, इसके अलावा दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो कोविड के कारण प्राइवेट जॉब करने वाले चले गए, क्योंकि अधिकतर प्राइवेट जॉब करने वाले हर परिवार में है, तो आप 2.5 लाख से 7 लाख का बीमा गवर्नमेंट दे रही है और जरूरतमंद परिवार को ये पहुँचाए। ये आप साइड वगैरह देख सकते हो, कर्मचारी भविष्य निधि 29/2021 का ये नोटिफिकेशन है और इस प्रकार ये बड़ी खबर है। अब चलते हैं वीडियो से और जल्दी मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।